फिर बताएंगे कि क्यों हम लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, क्या मेरे साथ हुआ था, इस वीडियो में हम लोग रिवील करने वाले हैं और नेहा भी रिवील करेगी। फैमिली वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा एंड विशाल ब्लॉग्स। तो प्लीज है ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए, तो सबको गुड मॉर्निंग कर दो क्यारा। हाँ, तो क्यारा भी आज उठ गई है जल्दी जल्दी और हम लोग का सारा कुछ हो गया है, मतलब टहल वहल लिए हैं और सुबह का एप्पल वेप्पल भी खा लिए हैं और योगा भी कर लिए हैं। अब बस खाना बनाना बचा हुआ है। और क्यारा तो आज जल्दी उठ गई थी ना, क्यारा तो आज क्यारा भी जल्दी उठ गई, 7:45 ही उठ गई। तब तक में हम लोग का सारा कुछ हो गया था, आज हम लोग भी 6 बजे उठे थे। और क्या कर रही हो, क्या कर रही हो ऐसे ऐसे? तो आज हम बनाने वाले इडली सांभर, जिसका रेसिपी हम बहुत बार डाल चुके हैं, तो उसका रेसिपी नहीं डालेंगे लेकिन कुछ कुछ शॉट्स दिखाएंगे आपको ज़रूर। और अभी हम दाल चढ़ा दिए हैं, अभी आपको दिखाते हैं आगे। हे गाइस, तो अभी आंटी और हम बोलते हैं रीना माय, तो वो अभी सांभर के लिए सब्जियां काट रही है और क्यारा अपने साइकिल चला रही है। सीखी भी नहीं अभी तक चलाना, 4 दिन हो गया। पैर रखो आगे 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 वाले पे। हाँ, अब दाबो, थोड़ा थोड़ा सीखिए, दाबो जोर से दाबो, इसको पुश करो, इसको इसको पुश करो। हाँ, पुश करो, ऐसे पुश करेगी ना तो चलेगा। और नेहा अभी धो रही है बर्तन। मरा है तो क्या हुआ, हाँ दाल तो चढ़ा हुआ है ही, तो बिटर इडली का बिटर बिटर लाइट नहीं है क्या, कट कट गया इसमें तो मलाई। कहाँ पे है, फ्रीजर में है, सबसे नीचे। अच्छा, ये तो ये मेरा फर्मेंटेड हो गया है बहुत ज्यादा, इडली का गोल ना। बनाओ मजा से खाओ, तुम्हारा तो फेवरेट है। कुछ भी नहीं डालना होगा, ना बेकिंग पाउडर ना कुछ भी, इनो पाउडर, ऐसे ही अपने आप बहुत बन जाएगा इसे तो। बहुत तो नहीं, मतलब वो हम लोग के लिए बन जाएगा। और थोड़ा सोच रहे एक प्लेट नीचे भी, ठीक है। अभी हमको इडली में देना है, ये सब निकाल के रखे हुए हैं। यहाँ पे दाल भी तैयार हो गया और कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और यहाँ इडली एक बार बन के तैयार भी हो गया है। और यहाँ क्यारा के लिए दाल निकाल दिए हैं, थोड़ा सा दाल चावल के लिए। यहाँ पे दबा रहे हैं क्यारा से पीठ और पैर, और थोड़ा सा हम बोले नींबू गाड़ देने, तो इनको टाइम नहीं मिला। अब हम मेरा हो गया, अब हम बना भी लिए और मेरा हाथ कटा हुआ था इसलिए हम बोले थे थोड़ा सा गाड़ दे, लेकिन ये मेरा एक भी बात नहीं मानते हैं। गाइस, तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं जो कि बनाई है नेहा। इडली बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, खासकर ये चटनी और ये सांभर इडली से ज़्यादा टेस्टी, ये दोनों चीज़ बना। हम तो हमेशा टेस्टी बनाते हैं। आप किसको किसको इडली पसंद है कमेंट्स में बताइए, हम जरूर बना के खिलाएंगे। वाह वाह वाह। तो नेहा बोली थी कि डाब पानी ले लेने के लिए, कल ही बोली थी लेकिन हम ले नहीं पाए थे, तो अभी डाब पानी ले रहे हैं नेहा के लिए। और वहाँ नींबू भी है, नींबू भी लेना है, नींबू भी खत्म हो गया है। पानी वाला दीजिएगा, पानी है ना साथ में। फटेगा नहीं ना पन्नी, अच्छा बैग में रख, नहीं नहीं पन्नी फट जाएगा कहीं, डबल कर लेते हैं। हाँ, बैग में रख लेंगे वैसे। एक गाइस, तो अभी हम घर आ गए हैं और ये आप क्या देख सकते हैं, नेहा का नारियल पानी। लो, ऐसे कौन पीता है, उसमें छेद करके पीता है, पाइप डाल के पीता है, सब है। बोली थी और इसमें नींबू डाल के पियोगी तो और टेस्टी लगेगा। नींबू आप आपके में डाल दे दो तो क्या रहा, मम्मा को नींबू इसमें गाड़ेगी, तुम गाड़ देगी क्या रहा, इसमें नींबू गाड़ो छेद करके और पियो मजा से। आपके आपको दे देते हैं। गाइस, तो देख सकते हैं अभी बिल्कुल पसीने पसीने हम हैं। और अभी एक चीज़ दिखाते हैं, और मेरा आज का कंप्लीट हुआ 10,404 स्टेप्स और 6.3 किलोमीटर, मतलब अभी रात हो गया 9:08 बजे से चल रहे हैं हम लोग और 1 घंटा भी टहले हैं और 6 किलोमीटर चले हैं।
एक्चुअली मैं हम लोग को क्यों इतना हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ा तो अभी आपको बताएंगे हम लोग, है ना नया पूरा पसीने पसीने हम पहले फ्रेश हो लेते हैं फिर बताएंगे कि क्यों हम लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, क्या मेरे साथ हुआ था, इस वीडियो में हम लोग रिवील करने वाले हैं और नेहा भी रिवील करेगी ना। क्या रखा ली? तो क्या रखा ली, बेड पे पूरा खिलौना गिराए हुए है और तो चलिए अभी आप बनी वीडियो में बने हुए रहेगा, अभी आपको हम लोग दिखाएंगे। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग बताए थे कि मतलब हम लोग बताएंगे एक्चुअली क्या रहा, हो गया बेटा बस बस अब सुनो क्या बोल रहे पापा, ठीक है ना। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले जैसा हम लोग बताए थे कि बताएंगे मतलब हम लोग इतना सारा वीडियो डाले हैं मेरा हेल्थ रिलेटेड, लेकिन हम लोग कुछ क्लियर नहीं किए थे कि एक्चुअली हम लोग को हुआ क्या था। तो इस मतलब हमको पर्सनली हमको हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको कि एक्चुअली में हम लोग के साथ क्या हुआ था, है ना। तो बताएंगे नहीं हाँ तो हम लोग 14 तारीख के रात में अपने घर से आए थे पूर्णिया से, तो मतलब सुबह ही निकले थे 4-5 बजे और 6 घंटा का ट्रेवल हो गया था, मतलब 10:30 बजे हम लोग पहुँचे थे। और फिर उसके बाद मतलब यहाँ पहुँच गए, उसके सारा सामान घर पे लाए ये और ड्राइवर मिलके। उसके बाद हुआ क्या कि मेरा मोबाइल ही गाड़ी पे छूट गया, तो इस गाड़ी से आए थे मतलब हाँ। और उस दिन यहाँ पे लखीसराय में जुलूस निकलने वाला था तो गाड़ी फिर 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा था क्योंकि 15 अगस्त आने वाला था, तो 14 को तो गाड़ी छोड़ी मतलब, और गाड़ी को क्या था रोड बिल्कुल जाम था तो गाड़ी बहुत आगे निकल गया था और बैक भी नहीं हो सकता था क्योंकि पूरा तिरंगा यात्रा था। तो हमको लगता है 1.5 किलोमीटर बहुत धूप में मतलब हम आगे बढ़े और मोबाइल लिए, मोबाइल लेके वापस आए, मतलब नॉर्मली था सारा चीज ना। तो मोबाइल यही छोड़ दिए थे गाड़ी में, छूट गया था मतलब वो जो सीट के पीछे वाला चैन रहता उसमें। तो उसके बाद फिर ये गए उतना दूर धूप में मोबाइल लेने, तो नॉर्मली था सब। हम लोग फिर आराम से थे, शाम को गए 11 के साथ घूमे भी, फील्ड में खेली भी थी। और उसके बाद हुआ क्या कि रात को मतलब 10:30 तक 11 भी सो गई थी, मतलब सो नहीं रही थी भी नाटक कर रही थी ना, 11 बजे तक सोई। उसके बाद नेहा भी थक गई थी तो नेहा सो गई थी, 11 फिर सो गई थी। फिर हमको हुआ क्या कि मतलब नींद आ रहा था लेकिन मतलब नींद मतलब थोड़ा सा पता नहीं होता है ना कभी कभी बेड पे नींद नहीं आ रहा है। हुआ था ये कि मेरे सिर में थोड़ा दर्द स्टार्ट हो गया था और गर्मी अंदर से लगने लग गया था जबकि एसी चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी जब अंदर से लगने लग गया तो हम ये लोग सो रहा था तो हम रात को उठे फेस वेस धोए, उसके बाद फेस धोने के बाद भी गर्मी लगे जा रहा है मतलब पसीना चूने लग गया, पसीना नहीं चुहा था लेकिन गर्मी अंदर से लग रहा था, मेरा शरीर अंदर से गर्म है बिल्कुल, तो हम बाल भी रात को धो लिए। उसके बाद हुआ क्या कि मेरा हार्ट भी लग रहा था अंदर से फिर बहुत तेज धड़क रहा था धक 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 धक, और मतलब उसके बाद अचानक से हमको सांस लेने में भी दिक्कत होने लग गया, मतलब ऐसा और लग रहा था अंदर से हमको फीलिंग आ रहा था कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और क्योंकि हम जबरदस्ती सांस ले रहे थे ऐसे, और हार्ट जो यहाँ पे मतलब धड़क रहा था जोर जोर से तो यहाँ पे भी पेन उठने लग गया था। तो 10 मिनट तक हम मतलब इसको उठाए भी नहीं यहाँ को, उसके बाद जब नहीं रहा गया तो अचानक से इसको उठाए, और उठाने के बाद इसको लगा कि हम मजाक कर रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, तो हम बोले नहीं सीरियस है मतलब हमको बहुत मतलब हार्ट में दर्द है और मेरा सांस भी नहीं ले पा रहे हैं तो ना। तो फिर हम बहुत देर तक इनको मतलब माथा वाथा मिलाए, तो फिर अब हम लोग को लगा कि नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो इनको बोले आप कुछ मतलब डॉक्टर के पास चलिए। तो सबसे पहले हम लोग अपने नीचे रेंटर को उठाए, तो रेंटर को नेहा ही गई थी उठाने, और उठाने के बाद 11 सो रही है यहीं पे और नेहा भी, तो मतलब तो हम नेहा और है एक बिट्टू और नीचे ही रहता है, तो हम लोग जल्दी से गए और ये जल्दी आगे गए क्योंकि बगल में ही हॉस्पिटल, घर के बगल में ही हॉस्पिटल था। तो नेहा बोली कि यहाँ नहीं हो पाएगा आप चलिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद क्या हुआ कि अचानक से हम बोले कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ये भी बोली कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ये थोड़ा सा वो भी नर्वस भी हो गई थी कि अचानक से क्या हो गया पूरा, ये भी एकदम रो रही थी। तो हम मतलब वो कंपाउंडर था वहाँ हॉस्पिटल में, वो बोला क्या बोला था हमको तो थोड़ा बहुत याद है कि क्या हुआ वो मतलब पहचाना ही नहीं कि पेशेंट कौन है, मतलब हम बोले कि हम हैं। तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या पूछे थे उससे,
ऑक्सीजन है मतलब हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, तो हम बोल रहे थे उसको कि ऑक्सीजन है, तो वो ध्यान नहीं दे रहा था। नेहा भी एक दो बार बोली ऑक्सीजन है, तो ध्यान नहीं दे रहा था, तो वो पहले हमसे कंफ्यूजन होके पूछ रहा था हम लोग से पेशेंट कौन है, बोले पेशेंट नहीं है, मतलब हम ही को दिक्कत हो रहा है ऑक्सीजन लेने में। तो फिर उसके बाद वो अपना स्टार्ट कर दिया, पहले तो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था वो, मतलब वो अपना पानी चढ़ाने का व्यवस्था कर रहा है, इधर उधर चेक कर रहा है। तो हम बोले अगर ऑक्सीजन है आपके पास, और नेहा भी बोली चीज को ऑक्सीजन है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे। तो वो पल्स ऑक्सीमीटर से पहले मेरा ऑक्सीजन नापा तो बहुत कम था, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना ज़्यादा कम होगा, ऑलमोस्ट 30-35% रह गया था, और नॉर्मल 90-100 रहता है इस टाइप से, और 30 रह गया था। तो वो भी अचानक से शॉक हुआ था ना, वो दौड़ के गया बिल्कुल, बोला हाँ ऑक्सीजन है, और हम हंस रहे हैं अभी, लेकिन उस समय सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था। तो फिर ऑक्सीजन चढ़ा इनको, फिर पानी चढ़ा, 3-4 ऑक्सीजन कितना चढ़ा था हमको उस समय, डेढ़ सिलेंडर ऑक्सीजन चढ़ा था। और फिर एक डॉक्टर थे वहाँ, डॉक्टर भी आए थे, वो भी चेक किए, और फिर डॉक्टर मेरा हार्ट रेट भी नापे तो 130, 135, 140 वेरी कर रहा था बार बार उस समय। और उसके बाद डॉक्टर को लगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो उस समय डॉक्टर भी थोड़ा सा थे अच्छा, तो मेरा माइंड को डाइवर्ट कर रहा था, हर बात मतलब घुमा घुमा के पूछ रहा था, तो मेरा डाइवर्सन हो रहा था माइंड उस समय ना, हमको तो होश भी नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा, उसके बाद हमको कोई होश नहीं था। उसके बाद इनको नींद का दवाई दिया, मतलब सुई दिया गया, उसके बाद मतलब एक सुई दिया था, फिर भी हमको नींद नहीं आ रहा था। हाँ, तो फिर शायद दूसरा सुई पड़ा, तो फिर इनको हल्का हल्का नींद आने लगा। फिर ये पूरे तरह से जब ठीक हो गए, फिर इनके फ्रेंड लोग भी आए 3-4 बजे, तो फिर सब देखने 3-4 बजे नहीं, उसी समय आ गया था, 2-2.5 बजे ही आ गया था, रात का बात है। तो उस टाइम सब आया, तो फिर सब घर में, और जो जांच वांच था वो तो कर लिया था, है ना। तो 4 बजे फिर हम लोग घर आए, तब ये जाके सोए हैं, तो फिर पूरा 2 दिन तक सोते रहे, 2 दिन खाना खाते थे और सो जाते थे हमको। और 2 दिन तक कौन आया कौन गया मतलब याद है, लेकिन होता है ना बिल्कुल बेहोश, हाँ बस देख रहे थे और बस सो जा रहे थे, देख रहे थे सो रहे थे, बहुत कोई आया मिलने के लिए। तो बहुत ज़्यादा नींद का मतलब सुई दे दिया गया था, 2 डोज दिया था, तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 डोज काम नहीं कर रहा था, उसके बाद 2 डोज दिया था, 2 दिन तक सोते रहे। तो इसलिए फिर हम लोग गए पटना चेकअप के लिए, फुल बॉडी चेकअप, तो वेदांता में गए, वेदांता में गए, एक सप्ताह मतलब 1-1.5 सप्ताह पहले का बात है। उसके बाद फिर चेकअप करा के आए, फिर इधर 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आया, फिर उसके लिए गए हम लोग, तो सारा कुछ नॉर्मल आया, बस एक प्रॉब्लम है जो कि है कि मतलब वेट थोड़ा कम करना है, और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग अब लगे हुए हैं जो आप। और कोई दवाई नहीं दिया था मतलब डॉक्टर, दवाई नहीं दिया है, बोला क्या कि 1 महीने तक आप फुल मतलब चलिए टहलिए, सुबह 1 घंटा रात 1 घंटा, और खाना पे कंट्रोल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, और नेक्स्ट मंथ फिर आइए, तो फिर से कोलेस्ट्रॉल आपका चेक करेंगे, अगर कम होगा तो फिर आपको एक्सरसाइज से कम करना होगा, इसलिए कोई दवाई नहीं दिया है। और मतलब और तो सारा चीज़ सही है, फुल बॉडी का किडनी हार्ट वर्ट सारा चीज़ चेकअप हुआ, तो भगवान की दया से ठीक है सब। थैंक यू सो मच गॉड, भगवान बहुत बहुत थैंक यू। आए नहीं बेटा अभी और है, और मतलब ये और क्या था कमी, और विटामिन डी भी कमी था, विटामिन डी और बी ट्वेल्व भी, विटामिन बी12 भी कम था, तो ये सब का दवाई दिया है, और बाकी तो ठीक हो जाए। और तो वैसे सारा कुछ नॉर्मल है, तो हम लोग को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक आया। तो यही बेसिकली स्टोरी था हम लोग का पटना जाने का, आने का, हॉस्पिटल में जाने का, तो यही कारण था, यही तबीयत मेरा ख़राब था, क्योंकि अब बहुत ठीक है, मतलब ठीक ही है, बस कोलेस्ट्रॉल को किसी तरह कम कर लेना है, अंडर कंट्रोल कर लेना, बाकी सारा चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ना क्या रहा बोलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को वीडियो पर वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।